दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर फ्रंट डिजाइन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की वीडियो में ब्लाउज की फ्रंट डिजाइन के बारे में बता रही हूँ और ये डिजाइन बहुत ही सुंदर बनने वाली है, तो ये पूरा वीडियो आप जरूर देखें। तो देखिए उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, प्लेन कपड़ा लिया मैंने, और देखिए ये मैंने इसका अस्तर लिया है। तो सबसे पहले ड्राफ्ट हम अस्तर पर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम सेम ड्राफ्ट को रख के ब्लाउज पीस पर कट कर लेंगे। तो देखिए जो ये ब्लाउज की डिजाइन है इसकी ओपनिंग बैक साइड में रहेगी और मैं अभी आपको कटिंग के बारे में बताती हूँ। तो मैंने देखिए अस्तर लिया है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ये तो आगे का पार्ट बनाएंगे हम, तो इसकी जो डिजाइन है वो आगे में आने वाली है। तो आप इस सेंटर पार्ट से भी कट रहेगा और साइड में तो ऑलरेडी हमारा साइड फिटिंग के लिए कट रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज का साइज बता देती हूँ। जो ये ब्लाउज है इसकी फुल लंबाई है 14 इंच। तो देखिए ये 14 इंच हमारी पूरी तैयार में लंबाई है और ये ब्लाउज जो है हमारा 34 साइज का है। तो सबसे पहले हम लंबाई में मार्किंग कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको 14 इंच है, लेकिन इसमें 2 इंच की यहाँ पे एक स्ट्रेट बेल्ट आएगी तो वो हम माइनस कर देते हैं, तो 12 इंच बचता है। और 12 इंच के मार्जिन में हम इसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि जो नीचे हम तैयार करेंगे उसके लिए और शोल्डर पर जो स्टिचिंग करेंगे उसके लिए। तो टोटल लेंथ हम 13 इंच ले लेते हैं इसकी। तो देखिए जो डिजाइन है ये, इसमें जो आगे का पार्ट है यहाँ पे 2 इंच हमको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। जैसे हमारा 34 साइज का है तो नॉर्मल हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि जो आगे डिजाइन आएगी उसमें 2 इंच आएगा। तो शोल्डर भी हम उसी के अनुसार ले रहे हैं। तो देखिए मैंने ये शोल्डर 14 इंच लिया है। और देखिए जो इसके मुड्ढे हम ले रहे हैं वो हम 6 इंच लेंगे। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया 34, और हम इसमें 34 जो तैयार करते हैं तो ये 8.5 इंच आएगा। तो ये तो हमारा तैयार साइज रहेगा, लेकिन जो डिजाइन डालने वाले हैं हम तो 2 इंच हमको आगे का जो पार्ट है सेंटर उसके लिए चाहिए। तो इसके लिए हमारा ये 10.5 इंच हो गया और 2 इंच हमारा साइड में मार्जिन रहता है उसके लिए चाहिए। तो टोटल आपको 12.5 इंच लेना है 34 साइज के लिए। कोई भी आप अपना कोई भी साइज का ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें ये चीज ध्यान रखें, आप टोटली आगे के पार्ट में 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चले। देखिए इसकी गुलाई हम लेते हैं 1.5 इंच। अभी हम यहां से शोल्डर से लेते हैं, जो हम नेट ले रहे हैं वो 4.5 इंच ले रहे हैं। 4.5 इंच से लेके हम नीचे तक पूरा टेप को इस तरह से क्रॉस में रख लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट हम स्ट्रेट रखेंगे। तो पहले स्ट्रेट पार्ट का मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए हमने ये 2 इंच ले लिया है, जो कि यहाँ पे हमारा ये स्ट्रेट रहेगा। और यहाँ से हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं शोल्डर से। तो देखिए ये इस तरह से वी शेप आ रहा है यहाँ पर। अभी हम यहाँ पे प्लेट का मार्किंग करते हैं। तो उसके लिए आप जैसे मैंने आपको 2 इंच बचाया ये तो हम साइड में छोड़ ही देते हैं, जो कि हमारा ये तैयार रहेगा। इसके बाद जो हम प्लेट का मार्किंग लेते हैं 2 इंच छोड़ने के बाद 4.5 इंच ले रहे हैं हम। अभी इसमें हम प्लेट डालने वाले हैं। तो जो प्लेट रहेगी हमारी यहाँ से लेके ज़्यादा लंबी नहीं रहती है, ये 3 इंच की प्लेट रहेगी। तो देखिए जो हमने 4.5 इंच लिया था यहाँ से मैंने 3 इंच पे ये मार्किंग कर ली है। और जो प्लेट आएगी हमारी यहाँ पे अभी 2 इंच की हम प्लेट डालेंगे। तो सबसे पहले हम जो 2 इंच लिया है इसके बीचों बीच 1 इंच में मार्किंग कर लेते हैं सेम 3 इंच की, और फिर हम यहाँ पे इस तरह से प्लेट की मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए जो हमने ये तो हमने लिया था यहाँ से 4.5 इंच, उसमें से हमने ये 2 इंच की ये प्लेट ले ली है। 2 इंच की प्लेट आने के बाद इसका देखिए ना कुछ इस तरह से आएगा, ये प्लेट हमारी यहाँ पे पड़ जाएगी और ये हमारा नेक हो जाएगा, यहाँ पे हमारी बेल्ट लगेगी। तो अभी हम क्या है सेम ड्राफ्ट पे इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने सेम ड्राफ्ट पे कट कर दिया है। जो इसकी एक्स्ट्रा कटिंग देंगे 1/2 इंच मुड्ढे में वो भी हम यहाँ पे दे देते हैं। तो देखिए शोल्डर से आपको इसी तरह से लाना है और यहाँ से
हाफ इंच ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन जो हमने लिया है वहाँ पे नहीं लेना, इस तरह से मार्किंग कर दें एक्स्ट्रा मार्जिन की, और उसके आगे इस तरह से कटिंग करनी है एक्स्ट्रा पार्ट की। कंप्लीट हो चुका है। अभी जो ये प्लेट है इसको हम अभी कट नहीं कर रहे हैं, इसी ड्राफ्ट को रख के हम ब्लाउज भी कट करेंगे, और अभी आपको बताती हूँ सेम ड्राफ्ट करके ब्लाउज को कैसे कट करें। और जो इसका बैक पार्ट आप बनाएंगे उसमें जैसे हमने इसमें 4 इंच लिया है उसमें खाली आप 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लें जो कि हमने ये साइड में लिया है, ये वाला मार्जिन ना लें। तो देखिए मैंने कपड़ा भी जो ब्लाउज का है मैंने सेम इसी तरह से फोल्ड कर लिया है, और देखिए ड्राफ्ट को भी इसी तरह मैंने सेट कर लिया है, और सेम ड्राफ्ट पर हम इस कपड़े को कट कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पर हल्की सी इसकी इस तरह से देखिए मैंने ये कैनवास फोल्ड कर लिया है साइज के अनुसार, और आपको बता देती हूँ कितना इंच मैंने ये फोल्ड किया है। देखिए ये 3.5 इंच में मैंने फोल्ड कर लिया है, और अभी हम क्या है इस ड्राफ्ट को इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे, क्योंकि जो हमारा नीचे से पार्ट है यहाँ से लेके पूरे गले तक हमारी पट्टी आएगी, और थोड़ा सा ले लेते हैं क्योंकि हमारा ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं लेंगे पट्टी की, 1 इंच के आसपास इसकी चौड़ाई लेंगे। तो देखिए ये मैंने सेट कर लिया है, और सेम ड्राफ्ट पर कट कर लेते हैं, जो कैनवास की चौड़ाई होगी 1 इंच लूँगी। देखिए कैनवास भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको सिलाई का तरीका बताती हूँ कैसे हम इसको तैयार करेंगे। तो देखिए जो ये ब्लाउज है इसको आप सीधा रख लें, इसके ऊपर हम इस तरह से अस्तर को रख लेंगे। अस्तर को रखने के बाद जो हमने ये कैनवास कट की है इस कैनवास को यहाँ पे इस तरह से हम सेट कर देंगे, और यहाँ से लेके पूरा हम यहाँ तक इसको स्टिच कर देंगे, और फिर इसको पलट देंगे। पलटने के बाद फिर इसकी फिनिशिंग करेंगे, लाइनिंग के साथ पूरा सेट कर लेंगे, और फिर हमारी जो ये प्लेट है इसको हम डालेंगे। तो इसी तरह हम दूसरे पार्ट में भी मार्किंग कर लेंगे, जिससे कि हमारे दोनों पार्टों में मार्किंग रहेगी। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए जैसे मैंने बताया था नीचे मैंने ये सीधा ब्लाउज रख लिया, और जो मार्किंग की थी वो मैंने सीधे के ब्लाउज जैसे उसके ऊपर ये उल्टा आ रहा है, तो ये पार्ट हमारा उल्टा है, और मैंने कैनवास रख के यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टिच कर लिया, और अभी बीच बीच में कट कर दे जैसे पलट देंगे। तो देखिए जो हमने मार्किंग की वो हमारी सेम मार्किंग यहाँ पर आ चुकी है, और अभी हम यहाँ पे पहले किनारे पे सिलाई डाल देते हैं, और उसके बाद इसको पूरा लाइनिंग के साथ में सेट कर देते हैं। उसके बाद तो देखिए मैंने पूरा यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टिच कर दिया है। अभी देखिए हम उल्टा करते हैं, तो देखिए जो हमारी मार्किंग ये आ गई, और हमने पूरा स्टिच कर दिया, सेट हो चुका है। अब ये प्लेट डालते हैं, प्लेट डालने से पहले हम यहाँ पे एक सेंटर में सिलाई डाल देते हैं, जिससे क्या है ये दोनों पीस हमारे सेट हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि इसको प्रिंसेस कट में कन्वर्ट कर दिया जाए बिना स्टिच किए, तो आज आपको वो मेथड भी बता देती हूँ। तो देखिए जो हमने ये मार्किंग कटिंग जो की है ऊपर से इनको शोल्डर से यहाँ पर मेजरमेंट लेना है, शोल्डर से लेके मुंडे की तरफ, तो देखिए यहाँ पर हमने 6 इंच में इस तरह से मार्किंग कर देंगे, और इस मार्किंग को हम यहाँ से लेके इस तरह से सेट कर देंगे, और इसकी शेप देखिए कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पर जो डॉट है हमारे इस तरह यहाँ से ज़्यादा यहाँ से कम होती हुई इसमें सेट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे वाले डॉट है इसको डालेंगे, इसके बाद फिर इसको डालेंगे। जैसे आप चाहते हैं कि ज़्यादा कप करना है, जैसे हमने ये 2 इंच लिया है तो आप इसमें थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये हमने डाल चुके हैं, अभी यहाँ से हम एक सिलाई लेते हैं।
तो देखिए हमने यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टिच डाल दिया है, और अभी इसको खोल देते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये शेप बनकर तैयार हो गई है। हमने बिना कट किए ही इसको प्रिंसेस कट में कन्वर्ट कर दिया है, और जो हमने ये सिलाई डाली थी स्ट्रेट, इस धागे को हम इस तरह से खींच देंगे तो ये सिलाई भी हमारी निकल चुकी है। देखिए अभी हम जो नीचे बेल्ट लगाने वाले थे उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो देखिए दोनों पीस मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं, अभी हम इन पीसों को सेट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था आगे की तरफ, तो यहाँ पे हम 2 इंच इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं, और सेम इस पार्ट में भी। अभी हम इस पार्ट को यहाँ पे इस तरह से सेट कर देंगे। देखिए जो हमने 2 इंच लिया है ये एक दूसरे के ऊपर की तरफ आ जाएगा, जो राइट साइड का है वो लेफ्ट साइड के ऊपर आ गया, तो यहाँ पे हम पहले एक स्टिच डाल के इसको सेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने यहाँ तक सिलाई डाल दी है, अभी यहाँ पे देखेंगे तो आप ये ओपन है, तो हम क्या करेंगे सेम इसकी सिलाई के ऊपर ही यहाँ तक हम सिलाई इसके ऊपर ही डाल देते हैं जिससे कि ये सेट हो जाएगा। तो नीचे से आप स्टार्ट करें जिससे कि आपको। तो देखिए यहाँ से लेके मैंने पूरा यहाँ तक स्टिच डाल दिया है, अगर हम इस पर स्टिच नहीं डालते तो पूरा ओपन दिखता है, तो वो बराबर से नहीं लगता आपको। अभी हम यहाँ पे जो बेल्ट बताने वाले थे उसके बारे में बताती हूँ। देखिए मैंने ये स्ट्रेट पट्टी कट कर ली है, और ये डबल फोल्ड थी। देखिए ये मैंने 9 इंच लिया है डबल फोल्ड में, तो टोटल आप देखेंगे तो ये 18 इंच होगी, और इस तरह से हमारी ये नीचे आएगी। देखिए हमारे साइज के अनुसार ये बराबर है, अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो साइड में निकाल देंगे। तो इसी तरह मैंने ये 2 पट्टी कट कर ली कि थोड़ा स्टिफ रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए दोनों पट्टियों को हम यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेंगे। डबल रख लिया है मैंने, इसके ऊपर जो लाइनिंग वाली पट्टी है इसको हम यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे, इससे क्या है हमारी जो सिलाई है वो दिखेगी नहीं और अंदर की तरफ। यहाँ पे 1/2 इंच आगे की तरफ निकाल दें, इसे क्या है ना जो बराबर से सेप अच्छे से बैठ सके, ज्यादा नहीं 1/2 इंच के आसपास इस साइड में छोड़ देना सिलाई मारने में। फिर हम इसी तरह से इस पट्टी को भी यहाँ पर सेट कर लेंगे, और सेम पूरा स्टिच डाल देते हैं। देखिए मैंने यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टिच डाल दिया है, जो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था वो कट कर दिया है, और इसको हम खोलेंगे तो देखिए सीधी तरफ इस तरह से आएगा, और आप उल्टी तरफ देखेंगे तो इसकी फिनिशिंग इस तरह से है, जो सिलाई है वो हमारी अंदर की तरफ चली गई। और अभी हम इस पे किनारे पे एक सिलाई डाल देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई डाल दी है, अभी हम यहाँ पे हमने इसी में एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया था जो फिनिशिंग देने वाले हैं, तो हमने 2 इंच यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं, जो कि हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो देखिए फोल्ड करने का सबसे आसान तरीका है, दोनों पट्टियों को हम यहाँ पे इस तरह से लेंगे, इससे क्या है आपकी जो सिलाई है वो भी नहीं दिखेगी, और जो नीचे का पार्ट है उसको यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद किनारे पर सिलाई डाल देंगे तो ये पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। तो देखिए मैंने नीचे भी इसकी सिलाई डाल दी है, तो आप देखेंगे नीचे इस तरह से आएगा। अभी आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा रेडी हो चुका है, और आप चाहें तो इसमें डिजाइन देने के लिए कोई भी लेस यूज कर सकते हैं, ये मैं विदाउट लेस यूज कर रही हूँ। तो देखिए इसका कप भी काफ़ी सुंदर बनेगा, क्योंकि ये प्रिंसेस कट में हमने कन्वर्ट कर दिया है, और इसका आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। तो देखिए ये हमने नीचे भी इसकी फिनिशिंग दे दी है, और देखिए यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा ली है। जैसे मैंने आपको बताया आप यहाँ पर कोई भी लेस यूज कर सकते हैं, तो देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ जैसे ये गोल्ड लेस है, तो एक लेस हम यहाँ से लेके यहाँ तक शोल्डर तक लगा लेंगे, और फिर एक लेस हम यहाँ से लेके इसी के साथ यहाँ तक आप अटैच कर सकते हैं, या फिर आप पूरा कमर तक भी इसको अटैच कर सकते हैं।
तो ये ऑप्शन है, आप चाहें तो ये लेस लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने बिना लेस का बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि हमने नॉर्मल ब्लाउज को ही यहाँ पे प्रिंसेस कट में कन्वर्ट कर दिया है। और नीचे आप देखेंगे इस तरह की ये स्ट्रेट बेल्ट आएगी, तो देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारे ब्लाउज का। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की फ्रंट लेयर बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।